हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एंड फोर्स के बारे में। आज का ये वीडियो सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कंपैरिजन किया था और हमने ये देखा था कैसे सिंगल थियरी से दोनों के क्वेश्चंस समझे जा सकते हैं। आगे इसी का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पर भी सिंगल थियरी से दोनों चैप्टर के पोटेंशियल को समझा जा सकता है। ध्यान दें, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड पर यूनिट चार्ज और मास। ग्रेविटेशन के लिए बात करेंगे तो पर यूनिट मास बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए बात करेंगे तो पर यूनिट चार्ज बात करेंगे। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड पर यूनिट चार्ज और मास। क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, दिस वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा, सो दैट चार्ज पार्टिकल विदाउट एक्सेलरेटिंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाया जा सके। चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज और वर्क डन पर यूनिट मास। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोस्टेट में इसकी यूनिट वोल्ट होती है, यानी कि जूल पर कूलम्ब को वोल्ट कहा जाता है, जबकि ग्रेविटेशन में इसकी यूनिट जूल पर केजी होती है, जूल पर केजी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण ये पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण ये पोटेंशियल नेगेटिव होता है, जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होता है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, इसलिए ये फोर्स हमेशा पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव आता है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल KQ/R, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल KQ/R, ग्रेविटेशनल पॉइंट मास का पोटेंशियल -gm/R। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। आगे बात करते हैं मल्टीपल पार्टिकल्स के कारण पोटेंशियल के बारे में। मल्टीपल पार्टिकल्स के कारण पोटेंशियल निकालना हो तो नेट पोटेंशियल हर पार्टिकल के इंडिविजुअल पोटेंशियल के एलजेब्रिक सम के बराबर होता है। नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एलजेब्रिक सम। एलजेब्रिक सम क्या होता है, एलजेब्रिक सम होता है पोटेंशियल को विद साइन एड या सब्ट्रैक करना। दो तरह के सम होते हैं, एक वेक्टर सम जो फील्ड के लिए यूज आता है, और ये स्केलर क्वांटिटीज का डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में तो दो साइन होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए नेट पोटेंशियल निकालते वक्त साइन का ध्यान रखना है। जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में केवल नेगेटिव साइन ही होता है, इसलिए हमें दो प्रकार के साइन सोचने की जरूरत नहीं है। ऑल पोटेंशियल्स को ऐड करें और फाइनल साइन नेगेटिव लगा दिया जाए। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पार्टिकल्स। मल्टीपल पार्टिकल्स के कारण जीरो पोटेंशियल के कंसेप्ट को एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है कि दो चार्जेस हैं क्यू और -2Q जो 60 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस पे है। आप बताइए इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर जीरो पोटेंशियल कहाँ होगा। ऐसा क्वेश्चन केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए आ सकता है, ग्रेविटेशन के लिए नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशन में दो तरह के पोटेंशियल नहीं होते हैं, केवल एक ही तरह का पोटेंशियल होता है और वो कभी भी सम अप होकर जीरो नहीं हो सकता। उसमें जीरो केवल इन्फिनिटी या रेफरेंस पॉइंट पर होगा। यहाँ पर दो तरह के पोटेंशियल दिए हैं, दो तरह के चार्ज दिए हैं क्यू और -2Q, और पूछा गया है पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल क्या होगा। यहाँ एक बहुत खास बात है, ऐसे दो पॉइंट्स होंगे, देयर विल बी टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में तो केवल एक ही पॉइंट होता था जीरो फील्ड का, लेकिन जब दो ऑपोजिट नेचर के चार्ज किसी डिस्टेंस पे पड़े होंगे तो दो पॉइंट्स होंगे जहां पर पोटेंशियल जीरो होंगे। वो दो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, वो पॉइंट्स एक तो चार्जेस के बीच में यहां पर एक्स डिस्टेंस पर। तो कैसे करेंगे हम, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू -2Q मिलकर जीरो।
केस फर्स्ट में के क्यू बाई एक्स प्लस के माइनस टू क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स मिलकर जीरो, के गया क्यू गया के गया क्यू गया, वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू टू अपॉन 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू टू एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। एक पॉइंट आया, ये एक और पॉइंट होगा जो बाहर की तरफ होगा, लेट ये मान लिया जाए वाई, और ये वाई पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के पास होगा जैसा फील्ड में भी होता था। तो छोटा चार्ज क्यों है इसकी तरफ, नेगेटिव साइन से चार्ज छोटा या बड़ा नहीं होता है, केवल पोलैरिटी चेंज होती है। तो यहां पर बात की जाए कि सेकेंड के क्यू बाय वाई प्लस ये डिस्टेंस हो जाता है 60 प्लस वाई टू जीरो, तो हम देख सकते हैं ऐसे दो पॉइंट्स हैं ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस जहां पर जीरो पोटेंशियल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स एंड एग्जामिनेशन, कई बार पूछा गया है कि जीरो पोटेंशियल का पॉइंट ध्यान रखना है, ग्रेविटेशन में कोई पॉइंट नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो पॉइंट होंगे जीरो पोटेंशियल के। आगे बात करते हैं हम लोग अलग अलग तरह के सिस्टम के पोटेंशियल के बारे में, कौन कौन से सिस्टम्स हैं। इस तरह हमने फील्ड के लिए भी बात की थी, डिफरेंट सिस्टम्स की फील्ड के बारे में बात की थी, अब हम डिफरेंट सिस्टम के पोटेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। रिंग, लाइन एंड स्फेरिकल शेल, आप देखेंगे कितना सिंपल है दो चैप्टर को एक साथ पढ़ना एक सिंगल थियरी से, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फटाफट खत्म हो जाती है। रिंग के कारण फील्ड एक्सिस पर के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट एक्सिस पर है, सेंटर पे निकालना हो तो वी सेंटर बराबर के क्यू बाय आर, एक्स जीरो रख दो सेंटर पर पोटेंशियल आ जाएगा। सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, के क्यू की जगह माइनस जी एम रख दीजिए, रिमेनिंग थिंग्स रिमेन सेम, के क्यू की जगह माइनस जी एम और सेम रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए कितना सिंपल है ये, के क्यू की जगह माइनस जी एम, सेंटर पर पोटेंशियल बात करनी है तो वी सेंटर हो जाता है माइनस जी एम बाय आर, दैट इज वेरी सिंपल थिंग टू लर्न, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न। अब बात करें लाइन के लिए, तो लाइन के लिए जब हम बात करेंगे तो लाइन की एक्सेस पे बात करें, ए डिस्टेंस पे बात करें, तो ये हो जाता है छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, छोटे से एलिमेंट के कारण पोटेंशियल के डी क्यू बाय एक्स, डी क्यू लेमडा इंटू डी एक्स इंटीग्रेट किया जाए ए से लेकर एल प्लस ए तक, तो के लेमडा एल एन एल प्लस ए अपॉन ए, लेमडा को लिखा जा सकता है क्यू बाय एल, तो फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाय एल एल एन एल प्लस ए अपॉन ए। कई बार नीट में पूछा गया है, जेई मेंस में पूछा गया है, नीट एंड जेई मेंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई मेंस, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही बात v इक्वल्स टू यहां पर लागू हो जाती है माइनस जी एम बाई एल एल एन एल प्लस ए बाई ए, केवल फर्क इतना है के क्यू की जगह माइनस जी एम, रिमेनिंग थिंग्स रिमेन सेम। स्फेरिकल शेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल और सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहता है क्योंकि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इसका मतलब पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहेगा और सरफेस की वैल्यू के बराबर रहेगा, वी इन इक्वल्स टू वी सरफेस दैट इज के क्यू बाय आर, और ये फील्ड मैक्सिमम होती है। इसी तरह अगर हम मास स्फेरिकल शेल के बारे में बात करें तो माइनस जी एम बाय आर, के क्यू की जगह केवल माइनस जी एम रखना है, वेरी इजी ट्रिक। आउटसाइड बाहर निकाला जाए तो सारे पोटेंशियल को सारे चार्ज को सेंटर पे मानते हुए वी आउट इक्वल्स टू के क्यू बाय स्मॉल आर, और इधर हो जाएगा वी आउट इक्वल्स टू माइनस जी एम बाय स्मॉल आर।
कर्व, कर्व अंदर कांस्टेंट है, ये रहा कांस्टेंट पोटेंशियल, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ग्रेविटेशन में सेम ग्राफ बनता है लेकिन नेगेटिव साइड बनता है, इसलिए कांस्टेंट एंड देन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इजी इट इज टू स्टडी टू चैप्टर्स इन अ सिंगल थियरी। पोटेंशियल का एक इंपॉर्टेंट केस, लास्ट इंपॉर्टेंट केस, सॉलिड स्फेयर के कारण पोटेंशियल। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कह दो या मास पर यूनिट वॉल्यूम कह दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ग्रेविटेशन में मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी हम देखेंगे कैसे हम एक टॉपिक को पढ़कर दोनों टॉपिक के बारे में याद कर सकते हैं, दो टॉपिक समझ सकते हैं सिंगल थियरी से। अंदर पोटेंशियल, अंदर पोटेंशियल आता है के क्यू बाई टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस वेयर पोटेंशियल इज डिजायर्ड, जिस डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है स्मॉल आर, वो डिस्टेंस है। इस स्मॉल आर पर पोटेंशियल निकालना हो तो के क्यू बाई टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर से फाइंड किया जाता है। अगर आप इसे डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये एक्सप्रेशन है वॉल्यूम डेंसिटी के टर्म्स। अगर हम आर जीरो रख देंगे तो सेंटर पर पोटेंशियल आ जाएगा थ्री बाई टू के क्यू बाई आर, आर इक्वल्स टू जीरो सेंटर पर। और अगर आर इक्वल्स टू कैपिटल आर रख दिया जाए तो सरफेस पे पोटेंशियल आ जाता है के क्यू बाई आर। सेंटर पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है और वो सरफेस का 3/2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स होता है, 150 टाइम्स पोटेंशियल इज, सॉरी 1.5 टाइम्स 3/2 वी एस। आउटसाइड, बाहर बात की जाए के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई स्मॉल आर एज इफ द होल चार्ज लाइज एट सेंटर, सारे चार्ज को सेंटर पे अज्यूम कर लें, और बाहर अगर पोटेंशियल निकालना है आर डिस्टेंस पर तो सिंपल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल आर, वेरी सिंपल इट इज। इसका कर्व, ये वाला कर्व पैराबोला है और ये कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसलिए ये कर्व इस तरह का आता है। सेंटर पर मैक्सिमम पोटेंशियल, सरफेस पर और बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब बात करें ग्रेविटेशन में, कुछ नहीं करना है, जहाँ के क्यू है वहाँ माइनस जी एम लिख देना है। के क्यू की जगह माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब माइनस थ्री बाई टू जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर। के क्यू था माइनस जी एम, के क्यू था माइनस जी एम। सेंटर पर पोटेंशियल 3/2 टाइम्स सरफेस का पोटेंशियल, यहाँ पर भी सेम रिलेशन होल्ड करता है। वी आउट इज के क्यू बाय सॉरी माइनस जी एम बाय आर, कर्व रिमेन्स सेम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन्स एंड एडवांस्ड एंड एम्स लेवल क्वेश्चंस। अभी डिस्कस करूंगा इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। सॉलिड स्फेयर के कारण पोटेंशियल के बारे में हमने बात की, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो जेई मेंस 2015 में पूछा गया है, जेईई मेंस 2015, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। पूछा गया था कि एक एम मास का स्फेयर है और रेडियस आर है, इसके सेंटर पर एक सेंटर के पास एक कैविटी निकाली गई है ऑफ रेडियस आर बाई टू। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कैविटी, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ कैविटी। बहुत सिंपल और फास्ट अप्रोच लगाते हुए बहुत इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, और बहुत स्कोरिंग है ये क्वेश्चन। क्या करना है आपको, पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट, लेट इट बी पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज पोटेंशियल ड्यू टू होल स्फेयर माइनस पोटेंशियल ड्यू टू कट पोर्शन। सिंपल इट इज, पूरे के कारण पोटेंशियल निकाल लीजिए पी पॉइंट पर और कट पोर्शन का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बहुत सिंपल है, क्योंकि ये पोटेंशियल रिमूव किया गया है तो इसका पोटेंशियल हट जाएगा। नाउ वी ड्यू टू होल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंडिंग वी ड्यू टू होल,
वीडियो टू होल विल बी माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस दिस इज द डिस्टेंस आर बाई टू का होल स्क्वायर. Minus 11 gm by 8 r. Then finding potential due to cut, V due to cut. इस cut portion के कारण, तो cut portion के तो center पर है potential, तो center वाला formula लगाएंगे. Minus 3 by 2 g, cut portion का mass m dash upon cut portion की radius r dash. Cut portion भी एक sphere है, और एक sphere के center पर potential का formula ये होता है. फाइंडिंग एम डैश, हम जानते हैं बड़े वाले एक वॉल्यूम फो एम डैश कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी इज कैपिटल एम अपॉन 4 बाय 3 पाई आर क्यूब इनटू 4 बाय 3 पाई आर बाय 2 होल क्यूब गिव्स यू एम बाय 8. दैट्स इट. एम डैश आ गया आपके पास में एम बाय 8. तो कट पोर्शन का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कट पोर्शन का पोटेंशियल हो जाएगा वी कट इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2 जी एम बाई 8 अपॉन आर बाई 2 माइनस 3 जी एम बाई 8. तो वी कट आ गया आपके पास में, वी होल आ गया आपके पास में. अब तो बहुत सिंपल है, अब कुछ नहीं करना है, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है. वैल्यूज को पुट करेंगे तो वी आ जाएगा माइनस 11 जी एम बाय 8 आर, यहां भी आ रहेगा, प्लस 3 जी एम बाय 8 आर एंड आंसर कम्स आउट टू बी माइनस जी एम बाय आर. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल इट इज. पोटेंशियल इज माइनस जी एम बाय आर, पहले पूरे के कारण और उसके बाद में कट पोर्शन के कारण. This is how the problems of potential can be handled. चाहे वो electrostatic की हो या gravitation की हो, और भी कई सारी problems है potential की, इनको आप practice कीजिए. और कोई भी doubts हो तो जरूर comment section में या मेरे Facebook page पर जरूर लिखें, आपके doubts और queries का जवाब दिया जाएगा. अगले सेट में आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा पार्ट 3 के अंदर. इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन का बहुत मेजर पोर्शन है एग्जामिनेशन में, और आप देख सकते हैं कि एक चैप्टर पढ़ने के साथ साथ दो चैप्टर तैयार हो रहे हैं, एक की थ्योरी के साथ दो तैयार हो रहा है. ये बिल्कुल मिस ना करें और पूरा पढ़ें, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. थैंक यू.